हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास फोर्थ चैप्टर फ्रैक्शन। फोर्थ क्लास के चैप्टर फ्रैक्शन की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट फोर्थ चैप्टर की। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ देखिए जो 2 है ये एक होल नंबर है, ठीक है, और ये 1/5 जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये ऐसे इन दोनों की इनकी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 5, और जो ये नुमनेटर में होता है ना इसको हम करते हैं प्लस, ठीक है, 2 × 5, और नुमनेटर में होता है इसको हम करते हैं प्लस, और यहाँ जो डेनोमिनेटर में होता है यहाँ हम दोबारा से उसी को लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 = 10, 10 + 1/5, 10 और 1 कितना हो गया 11/5, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई 11/5, 2 × 1/5, क्या बोलेंगे 2 × 1/5 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया 11/5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा डेनोमिनेटर और इस होल नंबर को, इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, और जो नोमिनेटर में होता है उसको हमें प्लस करना होता है, और बाय में डेनोमिनेटर ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, की जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है ना हमारे पास, इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, जिसमें नोमिनेटर ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपको पहले भी एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज बच्चों पहले वो वीडियो देखिएगा, वो क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जहाँ नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है डेनोमिनेटर से। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, हम नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं डेनोमिनेटर के साथ, क्या करते हैं नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डेनोमिनेटर से। ये देखिए 7 × 1 = 7, 12 में से 7 गया कितना आ गया 5, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, ये 1 इस तरीके से ऐसे घुमा के लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे जो हमारा आंसर आया है ना, जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको लिखते हैं 1 × 2, जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर, एंड 7 को बाय में, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमिनेटर में रिमाइंडर और डिवाइड में डेनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं डिवाइजर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या आ गया 1 × 5/7, हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई 12/7 की वो क्या आ गई 1 × 5/7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड फिर भी बच्चों अगर कोई को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई